हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फ्री वीडियो में। तो ये वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट फोर वीडियो। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बुलिश स्पिन बार एंड बेयरिश स्पिन बार कैंडल का स्ट्रेटेजी एंड ऑल अबाउट बुलिश स्पिन बार कैंडल एंड बेयरिश स्पिन बार कैंडल। बुलिश स्पिन बार कैंडल एंड बेयरिश स्पिन बार कैंडल का स्ट्रेटेजी आपको कैसे हेल्प करेगा ट्रेडिंग में, ये बताऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नवजीत और आज मैं आपको बताऊंगा बुलिश पिन बार कैंडल एंड बेयरिश पिन बार कैंडल क्या होता है और कैसे कौन सा स्ट्रेटजी आप अप्लाई करके इन दोनों कैंडल को चार्ट पे फाइन करके अच्छा खासा ट्रेड लेकर प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, वो सब मैं इन डिटेल्स में बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, ये सब कुछ हो गया तो एक और काम कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको अच्छा खासा नॉलेज के साथ अर्निंग्स के लिए कॉल्स मिलेगा, जो कॉल्स आप देख कर सीख भी सकते हो और अप्लाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना है तो सिंपली सर्च करो टेलीग्राम पे ट्रेडर बॉय मामपू, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल और ज्वाइन कर लो। ओके, अगर आप न्यू व्यूअर्स हो तो काइंडली सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वीडियो नहीं देखना, ये वीडियो देख भी सकते हो। ओके, देखने के बाद या देखने से पहले आपको जाना है प्लेलिस्ट पे और देखना है टेक्निकल एनालिसिस का पहला 3 वीडियो। ओके, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिएगा और गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ओके, स्क्रीन पे भी समझाऊंगा, यहाँ पर भी मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको बुलिश स्पिन बार कैंडल कैसा होता है। सिंपल, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हैमर कैंडलस्टिक और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। जो हैमर कैंडलस्टिक है समझ लीजिए मतलब सेम, उसका ही रेप्लिका है बुलिश स्पिन बार, बस इसका शेडो है, शेडो बॉडी से 2 times, 3 times या 4 times ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, उसके ऊपर बॉडी होता है थोड़ा सा छोटा सा। ओके, उसको आप हैमर भी बोल सकते हो, बट हम बोलते हैं अगर ज़्यादा लंबा होता है तो हम उसको बोलते हैं बुलिश स्पिन बार। ओके, और होता है बेयरिश स्पिन बार जो इन्वर्टेड हैमर जैसा होता है, जिसका शेडो होता है या अपर वीक होता है, वो बॉडी से 2 times, 3 times, 4 times या 5 times तक ज़्यादा लंबा होता है। जितना शेडो लंबा होगा उतना रिजेक्शन हमको ज़्यादा पता चलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगा स्क्रीन पे आपको पता चलेगा, मैं बताया हुआ मतलब एक चार्ट पे हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइन करना है मैं थोड़ा सा समझा दिया, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई ये सब के बारे में भी बताऊंगा, अभी बस ऐसे ही बता दिया। तो अगर ये जो कैंडलस्टिक है, ओके, ये कैंडलस्टिक अगर हमको चार्ट पे अगर फॉर्म हुआ दिखाई देता है कहाँ पर, रेजिस्टेंस पे या सप्लाई जोन पे, अदरवाइज सपोर्ट पे या डिमांड जोन पे, अगर वो कैंडल हमें मिल जाता है तब हम क्या करेंगे, इनिशियली उस ट्रेड पे हम एंटर करेंगे। कब, जब ये जो बुलिश या बेयरिश स्पिन बार कैंडल है, बुलिश स्पिन बार कैंडल के जो हाई है, हाई के ऊपर अगर ब्रेक करेगा नेक्स्ट कैंडल तब हम बाय करेंगे, लॉन्ग करेंगे, हम प्रॉफिट उठाएंगे। अगर बेयरिश कैंडल स्पिन बार कैंडल होता है तो उसका लो के नीचे हम क्या करेंगे, शॉर्ट करके प्रॉफिट उठाएंगे। तो सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, आपको स्क्रीन पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ध्यान से देखना, स्क्रीन पे जाएंगे अभी तो वीडियो यहाँ पर मैं ज़्यादा बकबक करके लंबा नहीं करूँगा, स्क्रीन पे जाऊँगा और समझाऊँगा आपको। तो गाइस वीडियो को स्किप मत करना, दोबारा बोल रहे हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख देना ताकि इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ताकि आपको नॉलेज लर्निंग सब कुछ मिले और उससे आपको प्रॉफिट मिले। और अगर आप वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे तो वीडियो का थोड़ा सा रीच बढ़ेगा, रीच बढ़ने से वीडियो दूसरे तक पहुंचेगा, अगर दूसरे तक पहुंच गया तो उसका भी हेल्प होगा आपके थ्रू। ओके, और मेरा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो होगा, मैं भी हेल्प कर रहा हूँ आपको बहुत ही मेहनत करके, तो काइंडली मेरा भी बनता है कुछ आपको मांगने के लिए। ओके गाइस, एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है, तो अब चलिए स्क्रीन पे। दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोग देखे होंगे थंबनेल पे मैंने बोला बुलिश पिन बार एंड बेयरिश पिन बार कैंडल क्या होता है और इसके हेल्प से हम कौन सा स्ट्रेटेजी लगाएंगे और कैसे ट्रेड लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ओके, उससे पहले अगर कोई न्यू व्यूअर्स है जिसने टेक्निकल एनालिसिस का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो वो लोग काइंडली वो पार्ट देख लेना, फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैंडल स्टिक का। एक कैंडल स्टिक का क्या होता है, हाई होता है, इसको बोलते हैं हाई। ओके, शॉर्ट से बता देता हूँ, इसको बोलते हैं लो, इसको बोलते हैं कैंडल का बॉडी। ओके, इसको बोलते हैं कैंडल का शेडो, लोअर शेडो। ओके, इसको बोलते हैं कैंडल का लोअर शेडो और इसको बोलते हैं कैंडल का अपर शेडो या हायर शेडो। ओके, लिखने की जगह ही नहीं है।
और ये वाला पॉइंट्स को बोलते हैं कैंडल का कितना क्लोज, ओ सॉरी, ये रेड वाला कैंडल का ये होगा ओपन, ये होगा क्लोज। समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियो देख लेना गाइस, ओके। और ये होगा ग्रीन कैंडल में ओपन और ये वाला पॉइंट्स होगा क्लोज, एकदम सिंपल। जिसको समझ नहीं आया है वो काइंडली जाओ प्रीवियस वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहाँ से सीख लेना, ओके। तो क्या होता है, बेयरिश कैंडल पिन पर कुछ ऐसा होता है, ये होता है हमारे कैंडल का बॉडी, ओके। नॉर्मल कैंडल सा बॉडी है ये, बॉडी से 3 या 4 टाइम ज़्यादा लंबा इसका शेडो होता है। मतलब शेडो हमको क्या बताता है, प्राइस रिजेक्शन, अपसाइड से या डाउन साइड से प्राइस रिजेक्शन बताता है हमको ये शेडो, ओके। अगर ये इन्वर्टेड हैमर जैसा भी है, इन्वर्टेड हैमर जैसा अगर कैंडल मिल जाए आपको जिसका शेडो बहुत ही बड़ा हो, ओके, अपना बॉडी से डबल ट्रिपल लंबा हो, तो हम इसको क्या करेंगे, बोलेंगे बियरिश पिन बार, ओके। कलर कोई सा भी हो, कलर मैटर नहीं करता, ओके, कलर्स मैटर नहीं करता, कोई सा भी कलर हो, सिंपल। और अगर ऐसा हैमर जैसा कुछ कैंडल हमको मिले, हैमर कैंडल क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, वो सब कुछ भी मैंने सिखा दिया प्रीवियस वीडियो पे, काइंडली जाकर देख लेना और वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अच्छे से देखना, ओके गाइज, तभी कुछ समझ में आएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट तभी अर्न कर पाओगे, ओके। और गाइज हमको सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ताकि वीडियो का रीच थोड़ा बढ़ जाए और दूसरों तक पहुंचे, आपके थ्रू दूसरों का भी हेल्प हो जाए, दूसरे भी सीख पाए, कुछ अर्न कर पाए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, उस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे, लर्न करोगे, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज से आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होगा, ओके। तो बाकी आप समझदार है, खुद ही समझ लीजिए। तो भी मैं बताता हूँ, ये हो गया हमारा क्या, बुलिश पिन पर। मतलब एक हैमर जैसे कैंडल मिलेगा जिसका ये शेडो है, शेडो बहुत ही बड़ा होगा, 2-3 टाइम्स बड़ा होगा बॉडी से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सिंपली हम बोलेंगे बुलिश पिन पर, ओके। कलर मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था रिजेक्शन मतलब क्या है, एक कैंडल का प्राइस यहाँ तक आया था, यहाँ तक नीचे तक आ गया था, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और जो बायर्स लोग हैं इसका जो प्राइस है दोबारा ऊपर तक लेकर गया, ओके। सेम यहाँ पर भी ऐसा है, सेलर्स प्राइस यहाँ तक लेके आए थे और बायर्स दोबारा यहाँ तक ले गया, और फाइनल विनर कौन है, बायर्स। सेलर्स तो यहाँ तक आए थे बट सेलर्स यहाँ पर रुक नहीं पाए, अगर सेलर यहाँ पर रुक जाता तो सेलर्स विन हो जाता और ये कैंडल का ग्रीन जो कलर है टोटल रेड हो जाता और कैंडल कुछ ऐसा बन जाता, ओके। तो तब होता सेलर्स का पावर ज़्यादा, बट सेलर्स का पावर ज़्यादा नहीं है क्योंकि कैंडल बायर सेलर्स यहाँ तक लेके आया था प्राइस को, बट बायर्स ने दोबारा ऊपर लेके जाकर यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो विनर हो गया बायर्स, ओके। और यहाँ पर विनर्स कौन है, यहाँ पर विनर्स है सिंपल सेलर्स, क्योंकि देखो बायर्स ने प्राइस यहाँ से यहाँ तक लेकर गया था बट यहाँ पर प्राइस सस्ते नहीं हो पाया, सेलर्स प्राइस को दोबारा यहाँ से यहाँ तक लेके आया और मार्केट यहाँ क्लोज हो गया, तो बायर्स ऊपर तक लेके गए थे बट वहाँ पर रुक नहीं पाए, सेलर्स दोबारा उसको पहले का प्राइस पे लेके आया, मतलब सेलर्स विन हो गया यहाँ पर, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेयरिश पिन पर। तो सिंपल बुलिश एंड बेयरिश आपको समझा दिया, अगर कुछ समझ में नहीं कमेंट करके बताना, मैंने आपको बता दिया, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, हम इसके थ्रू चार्ट पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, आपको हजारों वीडियो मिल जाएगा बुलिश पिन पर, बेयरिश कैंडल, स्पिनिंग टॉप, ये वगैरह कैंडल स्टिक के वगैरह आपको मिल जाएगा, बट प्रैक्टिकली आप ट्रेड कैसे करोगे, इन कैंडल्स के हेल्प से आप प्रैक्टिकली ट्रेड कैसे करोगे, ट्रेड करके प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे, वो मेन थिंग्स है, ओके। वो आपको सीखना चाहिए, मुझसे बहुत अच्छा अच्छा लोग है, ओके, बहुत अच्छे यूट्यूब पे लोग हैं, वो लोग मुझसे बहुत अच्छे से सिखाएगा आपको, बस मुझे आपको क्या सीखना, प्रैक्टिकली सिखाना है, आप समझ लो और ट्रेड कैसे करो, इन डिटेल्स में कुछ नहीं समझा रहा हूँ, मुझे मतलब क्या बताओ, इन डिटेल्स आप जानकर क्या करोगे, इसका डेफिनेशन वगैरह ये सब जानकर क्या करोगे, बस आपको जानना है ये कैंडल क्या मीन करता है, बायर सेलर्स का पावर क्या है ये आपको पता चल गया, इसका कैंडल का नाम क्या है पता चल गया। अब आपको काम क्या करना है, सिंपली आपको चार्ट पे ये कैंडल स्टिक फाइन करना है, फाइन करके क्या करना है, सिंपली फाइन करो, फाइन करके अब मैं स्ट्रेटेजी दूंगा कैसे आप बाय सेल करोगे, वो आप अप्लाई करो, सिंपली आपका होमवर्क क्या रहेगा, मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, आप 50 चार्ट्स, ओके, 50 चार्ट ढूंढो चार्ट पे, ये बियरिश और बुलिश पिन पर कैंडल ढूंढो, ओके, और कहाँ पर बन रहा है वो देखो और उसका स्क्रीनशॉट लो, लेकर मुझे
क्या करो, अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करके मुझे टैग करो। तो अब आपको चाहिए क्या, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पर मुझे टैग करना, मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर आप सही से ढूँढ रहे या नहीं, और बाकी सब कुछ दिखाऊँगा। अब जो स्ट्रेटेजी आप अभी आपको मतलब बताने जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बता दूँगा वहाँ पर। आप मुझे टैग करना, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, आपको आईडी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑलरेडी दिया हुआ है। और गाइस हाँ, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी अच्छा खासा कॉल्स वगैरह स्ट्रेटजी वगैरह मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, वहाँ से भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल भी व्हाट्सएप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है, वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि बेयरिश पिन बार और बुलिश पिन बार कैंडल कैसा है। अब इसके हेल्प से आप ट्रेड कैसे करोगे, सिंपल, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा चार्ट पे। ओके, हम आ गए हैं चार्ट पे, चार्ट कुछ इस तरह का है। ओके, कैंडलस्टिक चार्ट। तो देखिए, आपको बेसिकली फाइन कहाँ पर करना होगा, बेसिकली आपको ये फाइन करना होगा कहाँ पर, डिमांड जोन पे, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। अगर उस जगह पर ऐसा कुछ कैंडल फॉर्म हुआ है, ओके, तब आप इसके हाई के ऊपर आप सिंपली बाय करोगे। ओके, अब आपको अगर पता नहीं है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, तो कमेंट करके पूछो, मैं इसके बारे में ही बताऊँगा अच्छे से। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर शॉर्ट से आप इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ क्या होता है। मतलब एक जो एरिया है, अगर इस पॉइंट पे है, ओके, ये एक एरिया है जहाँ पर कौन बैठा हुआ है, बायर्स। ओके, जहाँ पर बायर्स बैठा हुआ है, अगर यहाँ पर कोई भी स्टॉक का कैंडलस्टिक यहाँ तक आता है या प्राइस यहाँ तक आता है, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जा पाता, यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाता है। मतलब हमको पता चलता है ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे डिमांड। ओके, यहाँ पर डिमांड है, मतलब बायर्स बैठा हुआ है, अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो बायर्स दोबारा उससे इसको बाय कर लेते हैं, बाय करने के बाद दोबारा इसका रेंज जो है ऊपर चला जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या, डिमांड जोन। ओके, और सप्लाई जोन क्या है, सप्लाई जोन ऊपर ऊपर होता है। ओके, यहाँ पर कौन बैठा होता है, सेलर्स। ओके, यहाँ पर सेलर्स बैठा होता है, नीचे से बायर्स लोग बाय करके शेयर्स का प्राइस ऊपर लेके जाता है। जब ये वाला एरिया आ जाता है, सप्लाई जोन आ जाता है, तो सेलर्स लोग क्या करते हैं, दोबारा शेयर को सेल कर देते हैं और प्राइस को नीचे लाता है, रिवर्स करके नीचे आ जाता है प्राइस, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सप्लाई जोन। ओके, इसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ओके, सिंपल हमको चार्ट पे फाइंड करना होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई जोन। और अगर वहाँ पर हमको ये मिल जाए, ऐसा कैंडल हमको मिल जाए, तो हमको इसके हाई के ऊपर सिंपली बाय करना होगा। और देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये बना है कैंडल। ओके, ये कैंडल बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला इसके हाई के ऊपर ये है, हम अगर यहाँ पर एंट्री करते हैं यहाँ से यहाँ तक हमको प्रॉफिट मिल जाता है। और ये देखिए, ये हमारा हो गया है डिमांड जोन। ओके, डिमांड जोन पे ये कैंडल बना है, डिमांड जोन से हमको यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिल गया। और यहाँ पर ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन पे एक देखिए, ये बुलिश पिन बार कैंडल फॉर्म हुआ है। ओके, ये क्या, बीपी, बुलिश पिन बार कैंडल, और हमको यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिल गया। और ये वाला जो है, ये क्या है, ये बेयरिश पिन बार, ये भी बीपी ही होगा, बेयरिश पिन बार, और इसके लो के नीचे हम शॉर्ट करते, तो यहाँ से यहाँ तक का हमको हमारा प्रॉफिट इजीली मिल जाता। तो सिंपल सा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब आपको रियल चार्ट पे लेकर हम बताते हैं लेके जाके। ओके गाइस, बहुत भी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, काइंडली सपोर्ट करना, तभी मुझे अच्छा लगेगा। ओके, हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ओके, ये हो गया फ्यूचर्स का चार्ट। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ओके, तो ये देखो गाइस, ये है, ये जो एरिया है पहले आपको बता रहे थे, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला जो लाइन, ये वाला लाइन, ये क्या है, ये एक डिमांड जोन है, और इसको हम बोल सकते हैं सपोर्ट। ओके, सपोर्ट डिमांड का एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। ओके, सपोर्ट कैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ। मैंने आपको जैसे बोला था कि कोई भी शेयर्स का जब प्राइस यहाँ से यहाँ पर आता है, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जा पाता है और यहाँ से रिवर्स कर जाता है, तो सेम देखिए, यहाँ से ये ऊपर गया था, यहाँ पर आया, बट इसको ब्रेक करके नीचे नहीं गया, दोबारा ऊपर चला गया, दोबारा यहाँ पर आया, रिजेक्शन लिया, यहाँ से देखिए यहाँ पर बायर्स बैठा हुआ, बाय करके दोबारा ऊपर लेके गया, तो दोबारा इस यहाँ पर नीचे आया। ओके, थोड़ा सा ब्रेक करके दोबारा ये ऊपर चला गया, तो दोबारा आया, यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर चला गया, दोबारा यहाँ आया, दोबारा यहाँ से ऊपर चला गया, देखिए, तो इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहे, मतलब ये स्ट्रांग सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाए, मतलब ये डिमांड जोन भी है, तो इस डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इस यहाँ पर बायर्स बैठा हुआ है। तो हमको क्या करना होगा, अगर इस पॉइंट पे कोई बुलिश पिन बार कैंडल फॉर्म होता है, तो हमको इसके हाई के ऊपर सिंपल बाय करना है। ओके,
तो देखिए ये है सपोर्ट, सपोर्ट में ये बन गया है बुलिश पिन बार, ओके। और आपको जितना ज़्यादा बड़ा जो शेडो है लोअर शेडो मिले उतना ही अच्छा है, ओके। शेडो आपको देखना चाहिए, तो सिंपली देखिए इसके हाई के ऊपर ये कैंडल का लो और हाई हमको मार्क करना है, और हाई के ऊपर जब नेक्स्ट कैंडल जाता है तब हमको सिंपली बाय करना होता है। और इसका जो कैंडल का लो है, लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो सिंपल देखिए इसका हाई के ऊपर ये गया, थोड़ा सा जूम करके आपको बता रहे, ओके गाइस। सिंपल सा देखिए ये बना है बुलिश पिन बार कैंडल, इसके हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल गया है। अगर हम यहाँ पर एंटर करते और स्टॉप लॉस यहाँ पर रख देते तो मार्केट देखिए सीधा यहाँ से यहाँ तक गया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, दोबारा ऊपर गया, थोड़ा सा और नीचे आया, ओके। उसके बाद देखिए दोबारा सीधा ऊपर 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 कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट आप देख लीजिए, यहाँ से सीधा यहाँ तक, ओके, इस लेवल तक पहुँच गया है। ये होता है स्ट्रेटेजी बुलिश और बियरिश पिन बार का, ओके। अब आपको दिखा दिया बुलिश पिन बार, बियरिश भी दिखाना होगा, ओके। तो आपको मैंने बता दिया, आपको सबसे पहले जो चार्ट है वहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसका अलग से वीडियो भी आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन पर प्रेस करना, ताकि ये जो वीडियो आएगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, तब आप सीख पाओगे, ओके। तो सपोर्ट आपको एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, जो रेजिस्टेंस है या सप्लाई जोन है वो क्या है, ये डिमांड जोन मान सकते हो। ये देखो ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर जब भी मार्केट आता है यहाँ पर सेलर्स बैठा हुआ है, ओके। यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, सेलर्स। जब भी यहाँ पर आता है तो शेयर्स का प्राइस नीचे गिर जाता है, ओके, नीचे गिर जाता है। देखिए यहाँ पर भी आया, यहाँ से भी दोबारा नीचे गिर गया, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सका, मतलब ये सप्लाई वाला एरिया है और इसको हम कह सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस वाला एरिया। अगर यहाँ पर हमको मिल जाए कुछ ऐसा, ये क्या कैंडल है, ये है बियरिश पिन बार, अगर ऐसा कैंडल हमको ऊपर मिल जाए तो हम सिंपल इसके लो के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ऐसा कैंडल बन जाए तो हम सेल कर देंगे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। कहाँ तक, जो इसका नीचे डिमांड वाला जोन है वहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं, तो ये समझा दिया। और एक कंडीशन है, हम कब बाय कर सकते हैं, हम सिंपली व्यू अप लगा सकते हैं, ओके, ये एक इंडिकेटर है, ओके, वॉल्यूम एवेटेड एवरेज प्राइस, इसके बारे में भी बताएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, जिसको पता है वो देख लेना। तो ये देखिए एक ऐसा लाइन आ गया, तो अगर आपको इस लाइन के पास, लाइन को टच किया हुआ कोई भी आपको अगर ऐसा कैंडल दिख जाए जो बुलिश या बेयरिश पिन बार हो, तब भी आप एंटर कर सकते हो, ओके। ये वाला जो लाइन है ये खुद ही एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन जैसा भी है, इसको आप डिमांड भी मान सकते हो, सप्लाई भी मान सकते हो। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका जो नीचे है, नीचे वाला जो एरिया है, आप इसको क्या मान सकते हो, डिमांड। और अगर ये नीचे आ रहा है तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आप मान सकते हो क्या, सप्लाई जोन। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर कोई है क्या, इसको टच करके कोई पिन बार कैंडल जनरेट हुआ है क्या, देखते हैं। जितना बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट देगा, ओके। अगर आप ऐसे ही बीच में कोई सा कैंडल देखोगे और ट्रेड करोगे तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस ही होगा, और आप सोचोगे कि ये क्या बकवास स्ट्रेटजी है, मैंने ट्रेड लिया बट प्रॉफिट कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। तो इसलिए आपको डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये व्यू अप, ये सब देख कर आपको ट्रेड लेना है, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये देखिए ये कैंडल है, अच्छा सा बुलिश पिन बार कैंडल, कलर से कोई सा भी हो मैटर नहीं करता। ये व्यू अप का लाइन है, इसको टच किया हुआ है, तो इसके हाई के ऊपर हमको बाय करना चाहिए। तो सिंपल इसके हाई के ऊपर ये कैंडल गया, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कैंडल गया, अगर हम बाय करें तो यहाँ से यहाँ तक का हमको प्रॉफिट मिल जाता इजीली। तो ये होता है स्ट्रेटजी, अगर ऐसे स्ट्रेटजी पे आप काम करोगे तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ओके। और मैंने आपको बोला था रेजिस्टेंस वाला एरिया, ओके, इसको हटा देते, रेजिस्टेंस वाला एरिया मतलब सप्लाई जोन, सप्लाई जोन पे अगर आपको मिल जाता है बियरिश पिन बार तब भी आपको प्रॉफिट होता। तो मुझे एक बियरिश पिन बार ये वाला जो एरिया है देखिए यहाँ पर गया है मार्केट, इसको थोड़ा सा ब्रेक किया, उसके बाद दोबारा नीचे आया, इसको ऊपर गया, ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा नीचे आ गया। और इसी लाइन के ऊपर देखिए, इसी लाइन के ऊपर आपको ये वाला जो कैंडल है, ओके, अच्छे से देखना, ये वाला जो कैंडल है ये क्या बना है, सॉरी ये वाला नहीं है, अरे मैं गलती से, ये तो डोजी बन गया, ओके, इसको हम नहीं मान सकते, दूसरा देख लेता हूँ, ये डोजी बना है, डोजी का भी स्ट्रेटजी दिया हुआ है, क्या कैंडल डोजी कैंडल क्या मीन करता है ये भी मैं बताया हुआ है, आप देख सकते हो कहाँ पर, सिंपली प्लेलिस्ट पे जाकर।
अब एक बार मैं बियरिश पिन बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ओके, बुलिश पिन बार आपको समझा दिया कैसे कैसे आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। एक बार मैं देख लेता हूँ बियरिश पिन बार भी यहीं पे है क्या, कहीं यही कहीं पे। सॉरी, ये बियरिश है क्या, मैं थोड़ा, हाँ गाइज, इसको आप बियरिश पिन बार मान सकते हो। ओके, मान सकते हो, मैं डोजी समझ लिया था, क्योंकि इसका जो लोअर शेडो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है और अपर शेडो कम लंबा है। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा बियरिश पिन बार में। ओके, तो देखिए ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। ओके, देखिए तो ये बन गया, ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है। ओ सॉरी, क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ पर बना है क्या बियरिश पिन बार, और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस पे कौन बैठा होता है, सप्लाई पे कौन बैठा होता है, सेलर्स यहाँ पर है। ऐसा कैंडल बन चुका है, इसके लो पे मतलब नेक्स्ट कैंडल पे हमको सेल करना है, सेल कर देता तो यहाँ से यहाँ तक हमको प्रॉफिट इजीली मिल जाता। ओके, तो ये होता है कुछ पावर स्ट्रेटजी का। तो ऐसे अगर अप्लाई करोगे डिमांड और सप्लाई, रेजिस्टेंस सपोर्ट, व्यू अप वगैरह सब कुछ देखकर, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा स्टॉप लॉस को। ओके, स्टॉप लॉस, रिस्क वर रेशियो, ये सब मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी आपको ट्रेडिंग पे प्रॉफिट मिलेगा। तो गाइस, मैंने ये जो बुलिश एंड बियरिश पिन बार कैंडल है इसके बारे में आपको इन डिटेल समझा दिया। अगर कुछ समझाने में गलती हुई है कॉमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा वो सब दोबारा ठीक करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे, मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और गाइस, होमवर्क मत भूलना, चार्ट पे आपको फाइंड करना है 50 चार्ट पे क्या बुलिश एंड बियरिश पिन बार कैंडल, सर्च करो और देखो कौन सा सपोर्ट वाला एरिया है, कौन सा रेजिस्टेंस वाला एरिया है, और इंस्टाग्राम पे अपलोड करके मुझे टैग करो, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि ये सही है या नहीं है। अगर आप ऐसा हैबिट हो जाएगा, आप सीख जाओगे, ओके, तब आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो गाइस, वीडियो आज के लिए इतना ही, फटाफट एकदम वीडियो को वायरल कर दो। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।